तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। तो यार आज ये एजुकेशनल वीडियो एक होने वाली है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग क्रिप्टो IDX पर 100% श्योर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। क्योंकि यार बहुत दिनों से, मतलब अभी मैं VIP ग्रुप चला रहा था, उसमें मैं श्योर शॉट ट्रेड कैसे प्लेस करता था, तो मेरे पास कमेंट्स आते थे कि सर आप कैसे प्लेस करते थे। तो उसी को लेकर मैं आपको ये वीडियो रखने वाला हूँ कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, मैं किससे अपना क्रिप्टो IDX पर श्योर शॉट ट्रेड प्लेस करता हूँ। यार अगर आप सोच रहे हो मैं दिन में 10 ट्रेड प्लेस करूँ, 10 में 10 विन हो जाए, तो वो आप नहीं कोई बहुत ही कम होंगे। जो यार मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई नहीं होगा, मे भी हों, वही कर सकता है। बट यार अगर आप सोच रहे हो कि मैं दिन में 10 ट्रेड लूँ और मल्टिंगल के साथ लूँ, तो मेरी 7 से 8 ट्रेड विन हो जाएँ, तो ज़रूर हो सकता है। बट आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए। तो क्रिप्टो IDX पे मैं आज आपको स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जिसके बेसिस पर आप श्योर शॉट ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, और कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्रिप्टो IDX के लिए, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो एक क्रिप्टो IDX एक एसेट है, एक कैंडल स्टिक साइकोलॉजी हमारा बहुत अच्छे से फॉलो करता है। कहीं कहीं पे मार खा जाता है, बट बेसिकली ज़्यादातर अच्छा ही काम करता है। तो मैं एक सेकंड को वीडियो को पॉज करूँगा, अपना टेलीग्राम चैनल भी आपको दिखाना चाहूँगा, तो उसके बाद हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो इधर से मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। हाँ तो यार ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसमें कि 125 सब्सक्राइबर हैं, बालाजी सिग्नल्स के नाम से, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो जिस किसी ने भी यार अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया तो वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और कोई भी रिगार्डिंग आपके सिग्नल के रिगार्डिंग या किसी चीज़ के भी रिगार्डिंग अगर आपकी क्वेरी है, तो आप लोग को यहाँ पे मेरा लिंक मिल जाएगा, यूज़र नेम, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं रोज़ एक क्रिप्टो IDX का फ्री सिग्नल भी प्रोवाइड करता हूँ, जैसे कि आज भी प्रोवाइड किया था। पहले मैंने पोल क्रिएट कर दिया था और सभी लोग राज़ी थे, तभी मैंने यहाँ पे सिग्नल दिया था। और जिनने भी सिग्नल लिया तो उन्होंने अपना फीडबैक शेयर किया, तो मैंने यहाँ पे उसको डाल दिया था पब्लिकली, ताकि कोई भी नया बंदा है तो उसे देखने को मिल सके ये सब चीज़ें। तो यार चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यार वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग 50 लाइक्स का रखते हैं, क्योंकि यार वीडियो तो सब लोग देख लेते हैं और फिर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उससे यार थोड़ा मोटिवेशन नहीं मिलता। मैं क्यों अपना फालतू का टाइम यहाँ पर बर्बाद करूँगा, मैं खुद ट्रेड कर लूँगा उतनी देर, बट मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की भी थोड़ी बहुत एक्यूरेसी बढ़ जाए। तो यार इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। और 50 लाइक्स का हम लोग टारगेट करते हैं, आशा करता हूँ आप लोग जल्दी इसे पूरा करा देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ पर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट सेक्शन पर आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग सेलेक्ट करेंगे फ्रैक्टल चार्जो बैंड, और इसके साथ में ही हम लोग फ्रैक्टल्स भी सेट करेंगे। तो यार ये मुझे अच्छी एक्यूरेसी देता है, इसको मैं अपने दूसरे सिस्टम पर लगा कर ही करता हूँ। जब भी मैं ट्रेड देता हूँ, दो चीज़ें ये लगाता हूँ, और एक चीज़ लगाता हूँ मैं एक मेरा सॉफ्टवेयर है क्रिप्टो IDX का प्रीमियम, उसे मैं यूज़ करता हूँ, जिसके लिए मैं तीनों कॉन्फर्मेशन लेता हूँ, फिर मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ। तो यार मैं वो वाला जो सॉफ्टवेयर है वो तो पब्लिकली यहाँ पे नहीं अनाउंस करूँगा, एक तो वो पेड भी है, और अनाउंस भी मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि यार वो मैं सॉफ्टवेयर को सेल करने का सोचा नहीं है मैंने कि मैं उसे सेल करूँगा। बिकॉज़ यार अगर वो सेल हो गया, मार्केट में आ गया, तो फिर यार उसके साथ भी मैनिपुलेशन हो जाएगा, और वो बहुत ही अच्छा काम करता है, तो इस वजह से नहीं बेचूंगा। हाँ मैं सेल करूंगा, उसका मैंने सोचा हुआ है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, तो आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा कि वो सॉफ्टवेयर का प्राइसिंग क्या है, और दूंगा भी तो कितने लोगों को दूंगा, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आपने ये दो चीज़ें डिफ़ॉल्ट में सेट कर ली, उसके बाद मेन काम यहाँ पर आता है। देखिए मैं यहाँ पर 15 सेकेंड कैंडल यूज़ कर रहा हूँ, और 2 मिनट की ट्रेड प्लेस करूँगा। जैसे अभी 227 हो रहा है, तो मैं 28 पर प्लेस करूँगा 30 तक की, ठीक है, और 30 तक की ट्रेड प्लेस करूँगा। तो मैं जैसे आप मान लीजिए 1 मिनट की ट्रेड ले रहे हैं, तो आप 5 सेकंड कैंडल लगा के रखिए। अगर आप 2 मिनट की ट्रेड ले रहे हैं तो 15 सेकंड कैंडल यूज़ करिए, और 5 मिनट की ट्रेड ले रहे हैं तो 1 मिनट की कैंडल यूज़ करिए। तो आपको ये बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि यार मैंने इसे चेक किया हुआ है, तो इन्हीं टाइम फ्रेमों में अच्छा काम कर रहा है मेरे साथ।
और आप लोग प्लीज़ जब भी ट्रेड करने के लिए उतरिए तो पहले एक से दो ट्रेड आप प्लीज़ डेमो पर ट्राई करिए, चाहे जितना टाइम हो जाए। मैं भी जब भी डेमो पर आता हूँ, मतलब ट्रेड करने आता हूँ, तो पहले मैं डेमो पर एक दो ट्रेड प्लेस करता हूँ, उसके बाद ही मैं आप लोगों को सिग्नल्स भी प्रोवाइड करना शुरू करता हूँ और ख़ुद भी ट्रेड करना शुरू करता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं क्या बोलते हैं, अब आपको ट्रेड लेना सिखाऊंगा। चलिए, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे एक ऐसा एरो का निशान बनता है, ठीक है। तो इस एरो का निशान आप लोगों को, जैसे अप का बना है तो आप लोगों को डाउन का लेना है, और अगर डाउन का बना है तो आप लोगों को अपवर्ड ट्रेड लेनी है, जस्ट अपोजिट। अब देखिए, जैसे यहाँ पे अपवर्ड का निशान बना है, मैं यहाँ पे ट्रेड लेता, ये था मेरा 26.15, या मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 26 पर चालू करते हैं, ये आपकी कैंडल चालू हुई होगी तब ये निशान बना होगा। तो हम लोगों ने अपवर्ड के इसके हिसाब से लिया। देखिए, आप लोगों को हर कैंडल यहाँ पे नहीं विन होगी, ठीक है। आपने यहाँ से ट्रेड प्लेस करना शुरू किया और 15 सेकंड कैंडल के हिसाब से हमारी 8 कैंडल्स बननी चाहिए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, तो ये वाली ट्रेड हमारी लॉस में हो जाती, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग आए, तो मैंने बोला इसके लिए आपको, और अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो इसके लिए और बताऊंगा। एक तो यहाँ पे मार्केट थोड़ा कंसोलिडेटेड चल रहा है, अगर मैं पीछे जाऊँ तो थोड़ा अच्छा आपको बता सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे भी नहीं, आज का मार्केट, अब जैसे ये बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड गया। अब आप लोगों को, आप लोग बोलेंगे इसके लिए तो आप EMA भी यूज़ करते हैं, 16 और 8 का आप लोग EMA यूज़ कर सकते हैं, तो आपको ट्रेंड का थोड़ा पता चल जाएगा, तो आप लोगों की एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जैसे कि अब मैंने यहाँ पे अपवर्ड का ट्रेंड है, चलिए आपको मैं एक ट्रेड प्लेस करके ही दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी 2954 हो रहा है, तो मैं अभी, तो यहाँ पे देखिए कैंडल स्टिक साइकोलॉजी भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे यहाँ पे मुझे कैंडल दिखी, मतलब सेलर्स प्रेशर ज़्यादा है और मैंने यहाँ पे डाउनवर्ड के लिए लगा दी, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया, मेरी ट्रेड इस जगह कहीं लगनी चाहिए थी। तो चलिए, ये ट्रेड चलती रहेगी। कैंडल स्टिक साइकोलॉजी भी आपको बताऊँगा सी सेम वीडियो पर, जिसको, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब क्रिप्टो आईडेक्स पर अगर आपको प्रॉफिट अर्न करना है। तो अब देखिए, यहाँ पर मेरा अपवर्ड एरो बना, तो यहाँ से मैं, यहाँ पे जब ट्रेड होगी तब ये अपवर्ड एरो बना होगा, तो यहाँ से मैं 8 कैंडल देखता हूँ तो कंटिन्यूस ट्रेंड जाऊँ ने, इसके बीच पर कोई भी एरो नहीं बना। और फ्रैक्टल्स और ये फ्रैक्टल्स चाजो बैंड की बहुत सारी स्ट्रेटजी आपको मिल जाएंगी, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप उन टाइम फ्रेम को देखिएगा जिसके बाद, एरो के बाद कम से कम 7 से 8 कैंडल बन रही हूँ। अब जैसे यहाँ पर डाउनवर्ड का ट्रेंड है, ये हमारा इस जगह कहीं पर बना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ट्रेड प्लेस कर दी इसमें, ठीक, ये डाउनवर्ड है, इसमें यहाँ अपवर्ड की मेरे इस जगह से बनी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, आप देख लीजिए यहाँ पे भी अगर आपकी एंडिंग में भी प्लेस होती तो भी आपकी ये परफेक्ट विन ट्रेड थी। अब उसके बाद हम लोग मान लो ये जैसे अभी फ्रैक्टल्स चाजो बैंड के बाहर है, तो यहाँ पे अवॉइड करिएगा, ये आपका एक तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी होता है, ये भी आप लोग समझ लीजिए। तो अब जैसे यहाँ पे हमारा डाउनवर्ड, मतलब अपवर्ड के लिए बना, तो ये इस जगह बना होगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, मतलब आपकी ये ट्रेड 58, 30, 15, नहीं, एक सेकंड मुझे देखने दीजिए, मान लीजिए आपने 56 ये बना, 56.30, मतलब आपका 58 लगा होगा, ठीक है, 58 आपका चल रहा होगा, क्योंकि मैंने बोला आप लोग इवन नंबर 56 से 58 तक के लिए रखिए, 58 से मतलब फिर 00 तक के लिए रखिए। तो आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेड प्लेस की अपवर्ड की, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब यार सॉरी 58, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, आप लोगों की ये परफेक्ट विनिंग ट्रेड थी, ठीक। और अगर आप लोग थोड़ा, अब आप बोलेंगे यहाँ पे तो सर अपवर्ड एरो बन गया तो हम डाउनवर्ड, वो उससे आपको मतलब लेना नहीं है, आप लोग अपना ये एरो लेके चलिए, आपको ये परफेक्ट एक्यूरेसी देगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे कैंडल स्टिक के यहाँ पे एरो कोई नहीं बना था जब मैंने ट्रेड ली थी, मगर ड्यू टू कैंडल स्टिक साइकोलॉजी की वजह से मैंने इसमें डाउन ट्रेड प्लेस की हुई थी, तो और ये हमारी परफेक्ट विनिंग ट्रेड थी। आप लोग देख लीजिए, रेशियो देख लीजिए, ये मैंने 795 में लिया था और ये 973 पर क्लोज़ हुई थी, 2 मिनट की ट्रेड थी, विनिंग हुई थी।
तो इसके लिए मैं आपको कुछ और हैक्स बता दूंगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वाला समझ पर आ गया होगा। फ्रैक्टल्स चारों बैंड का कुल मिला के इतना है जब ये इन बैंड के अंदर हो और एरो जिस डायरेक्शन का बता रहा हो उसके अपोजिट पे लेनी है आपको 15 सेकंड टाइम फ्रेम में 2 मिनट तक की, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे डाउनवर्ड था, अब आप लोग देख लीजिए, अब ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बहुत यहाँ पे ये मायने रखती है। इसका मैं आपको हैमर का बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे ट्रेड प्लेस करें। मान लीजिए ये इस जगह बनता, तो मैं इस जगह से 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 देख लीजिए, परफेक्ट विन। मैंने बोला ना आपको सारी ट्रेड नहीं ये विन करके देगा, देखिए जो सच्चाई है, क्योंकि अगर वो सारी ट्रेड विन करने लगेगा तो बैनमो कहाँ से कमाएगा, उसे भी तो आपको पे आउट देना है, तो इस वजह सारी ट्रेड नहीं विन कराएगा। और आप लोग भी एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप 1500 इन्वेस्ट कर रहे हैं बैनमो पर, तो आप लोग डेली टारगेट अपने का केवल रखिए 400 या 500 रुपये। देखिए अगर आप लोग सोचें मैं 1500 इन्वेस्ट करूँ और पर डे में 10,000 कर लूँ, तो आपकी मर्ज़ी है। आप एक दिन में हो सकता है कर लो 10,000, बट आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपने इन्वेस्ट जितना किया उससे बहुत ज़्यादा निकाल लिया। इस वजह से धीरे धीरे प्रॉफिट करो, उनकी नज़रों में पर भी आप नहीं होगे और आप अच्छा खासा इससे अन करके ले जाओगे क्रिप्टो IDX का, ठीक है। तो अब मैं कैंडल स्टिक के बारे में बताने वाला हूँ। तो जैसे कि हमारी, मैं ट्राई करता हूँ इनसे बनाने की। अब जैसे कि अपनी ये एक कैंडल बन गई और इसके नीचे हमारा लेट मी ट्राई फॉर दिस, एक सेकंड मैं यहाँ पे इसको रब करता हूँ, ठीक है, ठीक। और ये देखें, और ये ऐसे बनी, और इसको मैं कर सोच रहा हूँ कर दूँ कलर। कलर हो पाएगा क्या इसमें कहीं से, मैं भी यहाँ से हो जाए, और इसको मैं यहाँ से कर दूँगा रेड कलर, ऐसे रेड कलर यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से मैंने इसको रेड कलर कर दिया, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हाई है, तो इसे हम लोग हैमर बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोग इसका मतलब समझिए, ये कैंडल इस जगह से शुरू हुई, इसके बाद ये सेलर्स प्रेशर इतना था कि ये इतने नीचे कैंडल आई, मगर वहाँ से बायर्स प्रेशर भी था, लोग ख़रीद भी रहे थे, तो ये ऊपर चली गई कैंडल। तो इसके बाद ये आप समझ लीजिए, मतलब ये ऊपर गई, इसका मतलब कि ये यहाँ पे हमें अपवर्ड का ट्रेंड दिखने वाला है, क्योंकि यार सेलर बायर्स प्रेशर ज़्यादा है, लोग बेच रहे थे मगर एकदम से लोग अरे नहीं मुझे ख़रीदना है, मतलब लोग ख़रीदने लगे। और क्रिप्टो IDX आपको मैंने बोला था 3 करेंसियों के 4 करेंसियों के एवरेज पर चलती है। अब आप लोग जैसे यहाँ पर आइए, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, ठीक, मतलब ये कैंडल शुरू हुई यहाँ से, ये इतने ऊपर गई, ठीक है, ठीक है, ये कैंडल इतने ऊपर गई, ठीक, ओके, मैं यहाँ से बोल देता हूँ, ये कैंडल इतने यहाँ से शुरू हुई और उसके बाद इतना ऊपर गई, मतलब लोग ख़रीद रहे थे और फिर वहाँ से एकदम डाउनफॉल हुई, मतलब सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है तभी तो ये नीचे आई। तो उसके बाद आप लोग देख लीजिए, एक कैंडल का अगर आप कंफर्मेशन लेते या आप लोगों ने यहाँ से देख ली, अब आप लोगों को पता है अगर मेरा फ्रैक्टल्स मुझे नीचे का ही देगा इशारा तो ही मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। आप लोगों की एक्यूरेसी ऐसे बढ़ेगी। तो देखिए ये हरा बना, उसके बाद आप जब इस कैंडल पर होते तब आपको ये एरो मिलता अपवर्ड का, तो आप डाउनवर्ड का देते, तो आप लोग देख लीजिए आपको कंटिन्यूस यहाँ से डाउनवर्ड ट्रेंड मिला है, ठीक है। उसी तरीके से एक और आपको हैमर दिखाता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए, अब इसका मतलब यहाँ से कैंडल शुरू हुई, ये यहाँ तक नीचे गई, यहाँ पे एक इसका रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल था, ऊपर उठी मार्केट, ठीक है, ऊपर उठी, मतलब आपको पता चल गया यार, मतलब बायर्स प्रेशर ज़्यादा, अब आपको पता चल गया कि यार यहाँ से मार्केट अपवर्ड जाएगी मेरी, तो आप लोगों ने कहा चलो वेट करते हैं, इस कैंडल पे होंगे तब आपको ये एरो मिला होगा, और इस कैंडल के बाद देखें आप लोग अगर वहाँ से प्लेस करते हैं तो मतलब अपवर्ड है, मतलब ये समझ लीजिए यहाँ जिधर बायर्स प्रेशर होगा आप लोग थोड़ा उस तरफ जाइए। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक ये बन रहा है हैमर, मगर ये पूरा यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक गया, नीचे तक घसीटा लोगों ने, मगर ये फिर ऊपर गया, मतलब अपवर्ड का हमें जाना चाहिए, बट आप लोग यहाँ देखिए यहाँ पे हमें डाउनवर्ड का इशारा मिल रहा है, तो आप लोग मत लीजिए वहाँ पे। अगर आपका मन नहीं बोल रहा है कि मुझे जाना है तो आप लोग उस जगह मत लीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों की एक्यूरेसी, अब देखिए जैसे इन्वर्टेड हैमर नीचे की तरफ लो क्लोज़ हुआ ये हैमर,
ठीक है, उसके बाद मुझे क्या है कि मुझे जब डाउनवर्ड का ही सिग्नल मिलेगा तो ही मैं जाऊंगा, और एक तो ये यहाँ से बाहर भी है। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, ठीक, रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुई है, तो मोस्ट प्रोबेबली जब आपका हल्का सा रेड शुरू होगा तो आपको ये अपवर्ड का एरो देगा, आप लोग डाउनवर्ड के लिए कंटिन्यूस जा सकते हैं। और आप यहाँ से देख ही सकते हैं कि यहाँ से आपको एक अपवर्ड ट्रेंड के लिए मिला और कितना अच्छा अपवर्ड है। अब आप देखिए यहाँ पे ये डाउनवर्ड ट्रेड आना शुरू हो गई, ठीक है, और ये आपकी देखिएगा यहाँ पे अभी आपको बोल देगा डाउनवर्ड के लिए, ये देखिए ये आपको बोला ना, आपको पता है यहाँ पे हैमर है मतलब सेलर्स प्रेशर है, तो आप लोग डाउनवर्ड के लिए कंटिन्यूस जा सकते हैं। तो यार इतने अच्छे से मुझे लगता है यूट्यूब में किसी ने भी नहीं समझाया होगा ये फ्रैक्टल्स चाजो बैंड को कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के साथ, और ये बहुत ही मुझे लगता है बेसिक सी कैंडलस्टिक साइकोलॉजी मैंने आपको समझाई ताकि आप लोगों को और भी समझ में आ जाए। अब आप इस वाली कैंडल को देखें, ठीक है, ये यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक गई नीचे और ऊपर, लोगों ने घसीटा इसे ऊपर तभी तो ये थोड़ा ऊपर क्लोज हुई, मतलब कि है भैया बायर्स प्रेशर है। उसके बाद आपको लगा यार अपवर्ड ट्रेंड मिलेगा तब मैं जाऊँगा, फिर आप लोगों ने ये कैंडल देखी पूरी स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड है, फिर आपने ये देखा मतलब ये कैंडल ऊपर तक गई बट नीचे क्लोज हुई, तो यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग सकता है। बट यहाँ पे आप ये भी तो देखिए इसका यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, मतलब यहाँ से मार्केट उठ भी सकती थी, ये देखिए यहाँ से, और मार्केट कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में गई, आप लोग ये देखिए। तो यार यही सब है, छोटे छोटे हैक्स हैं, आप लोग क्रिप्टो आईडीएक्स पर रेगुलर ट्रेड करोगे तो आपको समझ पर आ जाएगा। तो अब मैं आता हूँ अपने सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, तो मेरा जो सॉफ्टवेयर है यार वो क्रिप्टो आईडीएक्स के लिए मैंने उसे बाय किया हुआ था, और यार उसकी प्राइसिंग तो आपको अगर मार्केट में देखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा महंगा है, और मैं उसे सेल भी नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं किसी 10% को ही केवल वो दूंगा, जो मेरे पास फर्स्ट 10% आएंगे केवल उनको ही मैं वो सॉफ्टवेयर देने वाला हूँ, और सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग 5000 रखी हुई है। मुझे पता है ये थोड़ा ज़्यादा महंगा है सॉफ्टवेयर, बट सॉफ्टवेयर की प्राइसिंग यार 5000 ही है, क्योंकि यार अगर मैं सस्ता रख दूंगा तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाएंगी, और फिर यार मुझे फिर आप लोगों को मना कैसे करूँगा। और बोल दिया है मैंने कि जो मेरे पास पहले 10 बंदे आएंगे उनको ही मैं ये देने वाला हूँ, और जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए आप लोग जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे हैमर था हमारा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से हम लोग यहाँ पे प्लेस करते 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये देखो आपकी कंटिन्यूस प्रॉफिट पर ही क्लोज होती यार, ठीक है। अगर आप उस टाइम फ्रेम के हिसाब से जाओगे तो लेट मी सी यहाँ पे क्या था टाइम फ्रेम, ठीक है, वेट करिए फॉर दिस, यहाँ पे क्या था यार टाइम फ्रेम, वेट, तो यहाँ पे था मेरा 38:45, ठीक है, मैंने बोला था आपको 40 तक की प्लेस करनी थी, तो ये आ गया आपका 40 इस कैंडल पर, तो आप देख ही लो विन ही है यार आपका, ठीक है, उस हिसाब से भी विन है आपका 40 पे यहाँ तक, चेक कर सकते हो आप। तो यार टाइम फ्रेम यूज़ करना और बढ़िया है, और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो जिस किसी को भी अगर जो सॉफ्टवेयर लेना चाहते हो 5000 प्राइसिंग है, कम नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता हूँ इसे सेल करना, बस किसी 10% को दूंगा जो मेरे पास पहले आएंगे, क्योंकि यार मैं नहीं चाहता ये सॉफ्टवेयर मार्केट पर आए। तो जिस किसी को भी लेना हो, डिस्क्रिप्शन दी हुई है मेरे टेलीग्राम अकाउंट की, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मेरे टेलीग्राम अकाउंट की, वहाँ से आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और सॉफ्टवेयर परचेज़ कर सकते हो, और सॉफ्टवेयर आपका मोबाइल पर और डेस्कटॉप दोनों पर चल जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो ये पसंद आई हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर।